नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को WhatsApp की कैसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं ना, जो आपको 101% नहीं 101% पसंद, 101% और 101% सेम होता है ना, छोड़ो यार। अगर आप अपने फोन में ओरिजिनल WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप में, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसमें कलरफुल थीम लगा सकते हैं। अभी तक आप जो ओरिजिनल व्हाट्सएप का यूज करते हैं ना, उसमें आपको दो ही थीम मिलते हैं, ब्लैक और व्हाइट। आपकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट बन के रह गई है, लेकिन आप अपनी दुनिया को यानी व्हाट्सएप को कलरफुल करना चाहते हैं ना, कलरफुल थीम लगाना चाहते हैं, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं हूं तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने व्हाट्सएप को भी, ओरिजिनल व्हाट्सएप को भी कलरफुल बना दिया है। अब ओरिजिनल व्हाट्सएप में इस कारण कह रहा हूं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहेंगे ये ओरिजिनल व्हाट्सएप क्यों कह रहा है। अब ओरिजिनल व्हाट्सएप में इस कारण कह रहा हूं ना कि काफी सारे लोग जीबी व्हाट्सएप जैसी डुप्लीकेट व्हाट्सएप को भी यूज करते हैं, और उसमें ओरिजिनल व्हाट्सएप की तुलना में काफी सारे फीचर होते हैं, स्पेशली थीम के फीचर होते हैं, जो कि हमें नॉर्मल व्हाट्सएप में यानी ओरिजिनल व्हाट्सएप में बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन मेरे रहते हुए आपको सब कुछ मिलेगा, ओरिजिनल व्हाट्सएप में भी कलरफुल थीम मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ओरिजिनल व्हाट्सएप में कलरफुल थीम कैसे लगाया जाता है, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। खुजली हो रही है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो इस लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे आपको ये जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में आप सभी को एक छोटा सा घंटी नजर आएगा, तो उसको आपको दबाना है। उसके बाद आपको ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि हमारे चैनल पे इस प्रकार की जितने भी वीडियोस आएंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिर आपको नीचे जाके एक छोटा सा कमेंट कर देना है, कमेंट में आप सभी को टैग लिख देना है, और टैग लिखने के बाद आप सभी को अपना अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैग निखिल लिख दिया है, और इसको आप सभी को सेंड कर देना है। अब जैसे ये लिख के आप सेंड करते हैं ना, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ट्रिक है, जिसकी मदद से आप भी अपने व्हाट्सएप में अलग अलग थीम लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्लू कलर का थीम लगाया है, जो कि देखने में काफी कमाल का लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम के साथ हमें ये फीचर भी मिल जाता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में इस तरीके से एनिमेशन भी आ जाता है, जो कि देखने में काफी कमाल का लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एनिमेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप भी अपने दोस्तों को ऐसे एनिमेशन भेज सकते हैं, साथ ही में आप अपने व्हाट्सएप में ना थीम भी लगा सकते हैं। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप में इस प्रकार से एनिमेशन लगाना चाहते हैं, अलग अलग कलर के थीम लगाना चाहते हैं ना, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये कोई जीबी व्हाट्सएप नहीं है, कोई मोडेड व्हाट्सएप नहीं है, ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है। फिर भी हम हेल्प में जाते हैं और यहाँ पर ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है, ठीक है, ये कोई जीबी व्हाट्सएप नहीं है। आप अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप में अलग अलग कलर के थीम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये थीम आप कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला थीम है ना, ये भी देखने में काफी कमाल का लग रहा है। तो अगर आप इस तरीके से अपने व्हाट्सएप में थीम को लगाना चाहते हैं ना, तो चलिए मैं आपको सारी बातें अच्छी तरह समझा देता हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप में ये अलग अलग थीम लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप में अलग अलग कलर के थीम लगाना चाहते हैं ना, आप अपने फोन में जीबी व्हाट्सएप जैसी खतरनाक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी को अपने फोन में सबसे पहले ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप में थीम लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसकी परमिशन को आपको इस तरीके से अलाउ कर देना है, इसको आपको कट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोन में ना व्हाट्सएप का क्लोन तैयार कर लेना है। इसके लिए आप सभी को व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपके फोन में जो व्हाट्सएप है ना, इस तरीके से तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर सब कुछ वेरीफाई वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने व्हाट्सएप में ओरिजिनल व्हाट्सएप में थीम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल के ओटीपी डाल के सब कुछ वेरीफाई कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे पुराने मैसेज जो है ना उसको रिस्टोर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप का क्लोन बनाने से पहले ना आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, सारी चैटिंग का बैकअप कर लेना, ठीक है, तब आप क्लोन बनाइएगा। बैकअप करने से पहले आपको क्लोन नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको अपनी चैटिंग को बैकअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सारे जो पुराने मैसेज हैं वो इस एप्लीकेशन में यानी क्लोन व्हाट्सएप में आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह इस तरीके से फिलअप करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो व्हाट्सएप है वो तैयार हो जाएगा। अब इस व्हाट्सएप में थीम लगाने के लिए सिंपली आपको बैक जाना है और ये जो कलर थीम का ऑप्शन दिख रहा है ना इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर वाले जो तीन थीम है ये फ्री हैं और नीचे वाले जो चार थीम है ना इनको अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको शेयर कर देना है, अपने किसी भी दोस्त को आपको शेयर कर देना है। तो सिंपली आपको शेयर टू गेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप जिसे भी शेयर करना चाहते हैं ना उसके नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पर चलिए हम इसे अपने दूसरे नंबर पर शेयर कर देते हैं और यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद आपको वापिस से बैक जाना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का थीम है ना ये अनलॉक हो चुका और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो व्हाट्सएप है ना ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको और भी थीम को लगाना और भी कलर को लगाना है ना तो यहां पर सिंपली आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको शेयर करना होगा। आप किसी को भी शेयर कर दीजिएगा, फिर अपने दूसरे नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा और वो जो थीम है ना अनलॉक हो जाएगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप में ये मैजिक स्टीकर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपको एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो स्टीकर है आपके व्हाट्सएप में इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके व्हाट्सएप में ये मैजिक स्टीकर लग जाएगा और कुछ इस तरीके से आप इसे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप सभी को ये जो छोटी सी ट्रिक है वो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।